फैक्ट नंबर ए। ये तो आप जानते होंगे, दुनिया भर में जितना भी ट्रेड को लेके एक्सचेंज होता है वो डॉलर में होता है। अब एक मेजर गेम चेंज होने जा रहा है, श्रीलंका और रशिया में अब इंडियन रुपीस का इस्तेमाल होगा। बाकी 35 कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इंडियन रुपीस में ट्रेड करना चाहते हैं। डॉलर सारी जगह यूज होता था ना पहले, अगर ये चीज हुई, दोनों कंट्रीज ने अप्रूवल दिया, तो इंडियन रुपीस में ट्रांजेक्शन कर पाओगे आप। इस चीज से इंडियन रुपीस स्ट्रॉन्ग होगा ग्लोबल मार्केट में। जैसे डॉलर यूरो पे डिपेंड रहते हैं ना लोग, वैसे इंडियन रुपीस पे भी डिपेंड रहते हैं। फैक्ट नंबर दो। चाइना में कोविड से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्टॉप हेल्थ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक दिन में 3,37,00,000 लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए। दिसंबर के पहले 20 दिनों में कम से कम 248 मिलियन लोग, मतलब वहां की पॉपुलेशन के 18% लोग इन्फेक्टेड हुए, 24.8 करोड़ लोग। इंडिया में भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। हम सभी को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि याद है ना आपको पहले सब क्या हुआ था।